अनंतनाग पार्लियामानी सीट के लिए कल काउंटिंग यहाँ 4 जून को होगी, किस तरह की तैयारियाँ हैं, फाइनल शक्ल इसको दे दी? यस, जो काउंटिंग सेंटर यहाँ हमारे रजौरी में बना हुआ है, रजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी का 7 असेंबली सेगमेंट्स के लिए, उसकी सभी तैयारियाँ हमने पूरी कर ली हैं। जैसे सिक्योरिटी का इंतज़ाम यहाँ 3000 सिक्योरिटी पहले की लगी हुई है, और जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनके खाने के लिए प्राइवेट वेंडर्स को यहाँ पर रखा जाएगा, ताकि उनके अगर पानी की प्रॉब्लम हो तो वहाँ से पानी ले सकते हैं आराम से। इसके अलावा जो बाकी के इंतजाम हैं, जैसे मोबाइल टॉयलेट्स, उनकी फैसिलिटी के लिए, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो एम्प्लाइज जो गवर्नमेंट एम्प्लाइज अंदर लग काम कर रहे हैं, उसके अलावा जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो मोबाइल टॉयलेट्स यहाँ पर होंगे, फर्स्ट एड फैसिलिटीज यहाँ पर होंगी, 2 एम्बुलेंसेज यहाँ पर खड़ी होंगी। इसके अलावा जो कुछ भी फैसिलिटीज़ इनको दी जा सकती है जो ECI की गाइडलाइंस के मुताबिक, वो फैसिलिटीज़ हमने यहाँ पर पूरी मुकम्मल तरीके से इंतजाम यहाँ पर किया हुआ है। इसके अलावा अंदर जहाँ काउंटिंग हॉल का 2 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स आज आपके सामने वेंचर किया, उन्होंने दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद अरेंजमेंट्स मेड ओवर देयर इन द काउंटिंग हॉल्स, तो वो सेटिस्फाई होकर यहाँ से गए हैं। आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी जब RO साहब वहाँ से कंफर्म कर लेंगे हर एक राउंड के बाद, तो उसके बाद आपको बाहर ही आपके मीडिया सेंटर में ये सारी चीज़ें बताती जाएंगी कि एक एक राउंड के बाद हमारी क्या सिचुएशन है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज। सर, काउंटिंग का टाइम कितने बजे स्टार्ट होगा? 8 बजे के करीब काउंटिंग शुरू होनी है, और आपको ये बता दूँ कि 14 से लेकर 21 राउंड्स पूरे होंगे, क्योंकि हमारे पास 113 पोलिंग स्टेशन की एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है नौशहरा, और सबसे ज़्यादा 190 पोलिंग स्टेशन जो है वो हवेली पुंछ के हैं। तो ये देखते हुए 14 राउंड्स से लेके 21 राउंड्स तक लग सकते हैं सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो लगभग हमारे 4 से लेके 6 बजे तक ये काउंटिंग हमारी कम्प्लीट, काउंटिंग का प्रोसेस जो है कंप्लीट होगा। सर, आपने 3 टाइप सिक्योरिटी का जिक्र किया, काउंटिंग सेंटर को रिस्ट्रिक्टेड जोन डिक्लेयर किया जा रहा है, सिर्फ परमिटेड लोगों को इजाज़त रखी, इसके अलावा बाहर फील्ड पे भी किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रखे गए हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को लेकर? देखिए, जैसे कि आपको मालूम है जीतने के बाद लोग रैलीज भी निकालते हैं, हमने सभी को बताया हुआ है, सभी यहाँ बहुत ही मैच्योर लोग हैं हर एक पोलिटिकल पार्टीज़ के, मैं उनको भी ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको कोई ऐसी सेलिब्रेशन करनी होगी तो आप कृपया परमिशन लेके और जगह जहाँ पर आइडेंटिफाई की होगी वहीं पर आप सेलिब्रेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मतलब एस्ट्रे करेंगे या फिर इस तरीके से करेंगे कि बगैर परमिशन के, तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए हम लोगों ने वैसे पुख्ता इंतजाम किए हैं, बट अभी हमारी 4 बजे उनके साथ मीटिंग भी है, जो भी कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग है, उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से काउंटिंग के दौरान और काउंटिंग पूरी कम्प्लीट होने के बाद किस तरीके से आपको बिहेव करना है, किस तरीके से आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। किस तरह से रहेगा गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट का, वो भी 4 बजे के करीब SSP साहब DIG साहब के साथ डिस्कस करने के बाद आपको बता देंगे गवर्नमेंट एम्प्लाइज के लिए क्या करना है, और बाकी वालों के लिए एक डाइट में हम लोगों ने एक पार्किंग स्पेस रखी हुई है, वहाँ से SRTC की बसेस के ऊपर आप लोगों को, मीडिया वाले हों या फिर काउंटिंग एजेंट्स हों, वो अपनी गाड़ियाँ डाइट में रख के वहाँ से SRTC की बसेस में जो हमने हायर करके रखी हुई है वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पर आ सकते हैं। थैंक यू।